हैदराबाद में ईस्ट जोन पुलिस द्वारा स्क्वाडन सर्च अभियान चलाया गया, जो कि डीजीपी ईस्ट जोन श्री एम रमेश और 100 पुलिस दल के साथ मिलकर किया गया ये सर्च अभियान, जिसमें उन्होंने 25 व्हीकल जब्त किए हैं। इसके अलावा दो संदिग्धों को भी पकड़ा है। इसके साथ ही दो सिलेंडरों को भी उन्होंने बरामद किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर हैदराबाद के सभी क्षेत्रों में स्क्वाडन सर्च अभियान चलाया जाता है, ताकि यहाँ रह रहे रहवासियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी क्षेत्र में पुलिस द्वारा इस तरह का अभियान चलाया जाता है। अलकपेट थाना के अंदर मूसी के किनारे पर शालीवार नगर और फ्रेंड्स कॉलोनी के बीच आज हैदराबाद पुलिस 150 पुलिस ऑफिसर्स के साथ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के तहत लोगों से मिले, हम बात किए, उनके बातों के दौरान यहाँ के फील्ड नीड्स बताए, उनको रोड चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए और सीसीटीवी कैमरा चाहिए। उसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग थोड़ा और ज़्यादा, एक दो ट्रिप और ज़्यादा करें। इसके अलावा हम चेकिंग के दौरान कुछ सस्पेक्ट्स को चेकिंग किए और एक 25 गाड़ियों जिसके कागजात ठीक नहीं थे, जिसका नंबर प्लेट वगैरह ठीक नहीं था, वो सब चीज़ों को हमने जब्त किए। तो पूरा वेरीफाई करने के बाद वापस करेंगे। एक ऑर्डन एंड सर्च के अवसर पर हमको लोगों से मिलने का बहुत अच्छा एक मौका मिलता है, लोगों को पुलिस को अंडरस्टैंड करने के लिए और पुलिस वालों को लोगों के नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ये हैदराबाद पुलिस ने ऑर्डन एंड सर्च के दौरान और कम्युनिटी रिलेशंस और इंटर्नशिप करेंगे। और हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर सैयद हमीद की रिपोर्ट।